आपके इनक्यूबेटर में 100% रिजल्ट कैसे आता है? 100% रिजल्ट के लिए आप क्या करते हो? हमारे में तो नहीं आता, हम क्या करें? क्या इनक्यूबेटर में फैन लगाना ज़रूरी है? आप कितने वाट का बल्ब यूज करते हो? तो दोस्तों, घुमा फिरा के इस तरह के सवाल अक्सर किए जाते हैं, जिनको आज मैं क्लियर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप 100% रिजल्ट पा सकते हैं अपने इनक्यूबेटर में। दोस्तों, इनक्यूबेटर जो होता है, इसमें कई छोटी छोटी बातों को ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं कि आपने YouTube पर किसी का वीडियो देख लिया और दौड़ के गए मार्केट से कचरा वाला डिब्बा उठा ले आए और उसमें एक बल्ब लगा दिया, फैन लगा दिया, कंट्रोलर लगा दिया, आपका इनक्यूबेटर तैयार हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, आपको कई छोटी छोटी बातों को ध्यान देना होता है। इसके भी अपने कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं बिना स्किप किए हुए, तो हमें उम्मीद है कि आपको अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि उन 4 प्रोसेस के बारे में जो बहुत ही बेहद ज़रूरी होते हैं, जैसे कि अंडे का फर्टाइल होना, टेम्परेचर सही होना, ह्यूमिडिटी और टर्निंग को लेकर के, तो ये तो आपको अच्छे से मालूम हो गया होगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे 2 मुक्के के निशान होंगे, ये आपको समझना होगा कि आप सीधा मुक्का लगाना चाहते हैं या उल्टा लगाना चाहते हैं, यानी कि लाइक करना चाहते हैं या डिसलाइक करना चाहते हैं। वीडियो में हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको बताते हैं कुछ खास चीज़ों के बारे में जिनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। टेम्परेचर कंट्रोलर, अगर आपका इनक्यूबेटर होममेड है, यानी कि खुद से हाथ से बनाया है, तो उसमें टेम्परेचर कंट्रोलर की कोई साइज की वैल्यू नहीं होती है। आप कोई भी कंट्रोलर लगा सकते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि कंट्रोलर का मतलब होता है हीट को कंट्रोल करना, उसको आगे जाने देना ना पीछे जाने देना। आप जितने पर सेट कर दें बस उतने पर हीट को बनाए रखने का। आप छोटे से कंट्रोलर से बड़ा सा बड़ा इनक्यूबेटर चला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर लोड दे सकते हैं एक SSR की मदद से। आप चाहते हैं कि टर्निंग, ह्यूमिडिटी, कंट्रोलर, अलार्म सब कुछ उसके अंदर हो, तो आप एक ऑल इन वन यूज कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी कंपनी का हो। बल्ब का इस्तेमाल करना, बल्ब को अक्सर होममेड इनक्यूबेटर में ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर इनक्यूबेटर कोई कंपनी बनाती है तो वो बल्ब का इस्तेमाल ना करके वो एलिमेंट का इस्तेमाल करती है, क्योंकि कुछ ऐसी एरिया होती हैं जहाँ पर टेम्परेचर -डिग्री होता है और कुछ ऐसी एरिया होती हैं जहाँ पर टेम्परेचर +डिग्री में होता है, तो वो दोनों पर परफेक्ट काम करता है। लेकिन अगर आप अपने घर पर इनक्यूबेटर बना रहे हैं तो आपको बल्ब का चुनाव वही करना है जो बल्ब आपके इनक्यूबेटर में हीट को बना सके, इसमें वाट की कोई वैल्यू नहीं होती है। ह्यूमिडिटी के लिए पानी का इस्तेमाल, दोस्तों जब हम पानी का इस्तेमाल करते हैं ह्यूमिडिटी बनाने के लिए, तो आपको बता दूं कि पानी जितनी ज़्यादा एरिया में फैलेगा ह्यूमिडिटी उतनी ज़्यादा बनेगी। एग्जांपल के लिए बता दूं कि मान के चलिए कि अगर आप एक गिलास पानी भर करके इनक्यूबेटर में रखते हैं तो जो पानी गिलास के अंदर होगा तो ह्यूमिडिटी कम बनेगी। अगर उसी एक गिलास पानी को आप किसी थाली में डालकर इनक्यूबेटर में रख देंगे तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा बनेगी, क्योंकि पानी जितनी ज़्यादा फैलेगा उतना ह्यूमिडिटी बनेगी। अंडे को रोटेट करना, इसका कोई खास नियम शर्त नहीं है, इसको आप कम से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं। एयर सर्कुलेशन के लिए पंखे का इस्तेमाल, अब दोस्तों ये जो है ये बहुत ही अहम मुद्दा है इनक्यूबेटर के अच्छे रिजल्ट के लिए, क्योंकि एयर सर्कुलेशन अगर आपके इनक्यूबेटर में कमज़ोर है तो रिजल्ट में काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। क्योंकि लोगों का, जब भी मैं वीडियो देखता हूँ तो ज़्यादातर लोगों के इनक्यूबेटर में यहीं पर मिस्टेक दिखाई देता है, तो इसको थोड़ा सा आपको विस्तार से समझना होगा। अब दोस्तों, पंखा जो होता है इसका काम होता है एक तरफ से हवा को अपनी तरफ खींचना और दूसरी तरफ से हवा को फेंकना। अगर इसमें कोई भी बाधा आती है तो एक तरफ अंडों को ज़्यादा गर्मी मिलती है और दूसरी तरफ अंडों को कम गर्मी मिलती है, यानी जो अंडा बल्ब के जितने करीब होगा वो उतना ज़्यादा हीट होगा, जिससे अंडे ज़्यादातर खराब ही होते हैं। अगर आपका इनक्यूबेटर बड़ा है तो पंखे की साइज़ को भी बड़ी रखनी होगी। अगर हम पंखे को इनक्यूबेटर से बाहर चलाते हैं तो पंखा काफ़ी तेज़ हवा देता है, लेकिन जितनी तेज़ हवा बाहर देता है वह इनक्यूबेटर के अंदर उतनी तेज़ हवा नहीं दे पाता, क्योंकि उस पर लोड जो होता है वो डबल होता है। वह एक तरफ से हवा को फेंकता है और दूसरी तरफ से हवा को फिर से वापस अपनी तरफ खींचता है। वो जितनी तेज़ हवा को फेंकता है उतनी तेज़ हवा को खींचता भी है,
जैसे एक हाथ से किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचो और दूसरे हाथ से उसको धकेलो। तो जब आप फ़ैन का इंस्टॉल करते हैं तो अपने इनक्यूबेटर में, तो इतना ध्यान रखें कि जिस तरफ से वो हवा को अपनी तरफ खींच रहा है उस तरफ पर्याप्त जगह होनी चाहिए। अगर फ़ैन के बैक साइड में जगह भरपूर होगी तो उसका एयर सर्कुलेशन तेज होगा, तो इस तरह से आपके इनक्यूबेटर में बराबर हीट बनेगी और सभी अंडों को बराबर गर्मी मिलेगी, आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।